तेज गति से आगे बढ़ने के महत्व पर जोर दिया है। यह प्रोजेक्ट इस क्षेत्र के विकास के लिए एक गेम चेंजर सिद्ध होगा। हमने भारतीय कंपनियों द्वारा नेपाल के हाइड्रो पावर डेवलपमेंट योजनाओं में और अधिक भागीदारी के विषय पर भी सहमति व्यक्त की। यह प्रसन्नता का विषय है कि नेपाल अपने सरप्लस पावर भारत को निर्यात कर रहा है। इसका नेपाल की आर्थिक प्रगति में अच्छा योगदान रहेगा। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि नेपाल से पावर आयात करने के कई और प्रस्तावों को भी स्वीकृत किया जा रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नेपाल इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सदस्य बन गया है। इससे हमारे क्षेत्र में सस्टेनेबल, एफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री देवबा जी और मैंने व्यापार और सभी प्रकार से क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी उस इनिशिएटिव्स को प्राथमिकता देने पर भी सहमति जताई। जयनगर कुर्था रेल लाइन की शुरुआत इसी का एक भाग है। दोनों देशों के लोगों के बीच सुगम, बाधा रहित आदान प्रदान के लिए ऐसी योजनाएं बेहतरीन योगदान देगी। नेपाल में रुपे कार्ड की शुरुआत हमारी फाइनेंशियल कनेक्टिविटी में एक नया अध्याय जोड़ेगी। अन्य प्रोजेक्ट्स जैसे नेपाल पुलिस एकेडमी, नेपालगंज में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, रामायण सर्किट आदि भी दोनों देशों को और करीब लाएंगे। फ्रेंड्स, भारत और नेपाल के ओपन बॉर्डर्स का अवांछित तत्वों द्वारा दुरुपयोग न किया जाए, इस पर भी आज हमने चर्चा की। अपनी डिफेंस और सिक्योरिटी संस्थाओं के बीच गहन सहयोग बनाए रखने पर भी हमने बल दिया। मुझे विश्वास है कि आज की हमारी बातचीत भारत नेपाल संबंधों के भविष्य के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कारगर सिद्ध होगी। देवबा जी, आप कल काशी में होंगे। नेपाल और बनारस का सदियों पुराना संबंध रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि काशी के नए स्वरूप को देखकर आप जरूर प्रभावित होंगे। एक बार फिर आपका और आपके प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। May I now request His Excellency Mr. Sher Bahadur Deuba, Prime Minister of Nepal, to make his statement to the press. I thank you, Prime Minister.